शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 10/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है और तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। प्रश्न है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? उत्तर है, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। सुख देने वाले को यदि हम तलाक दे देंगे तो हमें सुख कौन देगा? शांति देने वाले को यदि हम तलाक दे देंगे तो हमें शांति कौन देगा? तो दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता, अभी ही प्राय लोक हो जाता है, इस ज्ञान का किसको भी पता नहीं है। ये नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत बजा है, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, माया के तूफानों में कभी भी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। नंबर दो, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है, इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। वरदान शिव बाबा का, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। बाबा कहते हैं कि हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और करुणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विथ ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन के नशे का बैलेंस रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।